जब तक ठोकर नहीं लगती है ना, डॉक्टर की याद नहीं आती है। आपके मुंह में दाद है 30, 32, 29 जितने भी हो, कभी जीवन समाप्त हो जाता है व्यक्ति का, लेकिन आप नहीं गिनते उसे। लेकिन जब दांत में कचरा अटक जाता है तो बार बार जीभ वहाँ जाती है। तंत्र मंत्र भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न करता है। जब आपको कोई और रास्ता नहीं सूझता तो फिर आप तांत्रिक के मंत्र के पास या किसी पहुँचे हुए व्यक्ति के पास पहुँचते हो। कुछ लोग दावे करते हैं कि हमने भूत देखा, वेताल देखा, पिशाच देखा। दावे अधिकतर झूठी होते हैं। मैं जो करूँगा वो दावा नहीं होगा। मैं आज आपके सामने एक वीडियो अपलोड करूँगा। उस वीडियो में मैंने 1.25 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर एक वेताल को अपने कब्जे में किया था। और यदि किसी को ये फ्लफ लगता है, झूठ लगता है, तो इस वीडियो की जांच भी करा सकते हैं और लैब टेस्ट भी करा सकते हैं। सिर्फ इंसानी खोपड़ी उस तस्वीर में दिखाई देती है। मैं हूँ, लेकिन आप पुष्टि नहीं कर सकते कि मैं ही हूँ, क्योंकि रात्रि का अंधेरा है। और यदि कोई पिशाच मेरे आश्रम में आ जाता है और वो भी किसी अनैतिक दृष्टि से, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे नेस्तनाबूद करूं। चोर के घर में चोरी नहीं होती। एक तंत्र के जानकार के पास में यदि कोई व्यक्ति इस तरह से प्रवृत्तियां करता है तो फिर वो गलत है। तो जो भी है, मैं आज आपके सामने, आज मेरा जो पेज है काली किताब का, वहां पर मैं अपलोड करूँगा और आप उसे अवश्य देखिए, अपनी टिप्पणियाँ करें, अपनी कमेंट्स करें, और मैं अवश्य ही उस का जवाब आप सभी को दूंगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी को यह लगता है कि तंत्र मंत्र फोल है, फेल है, वो कुछ नदी नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को मैं इतना कहूँगा कि जो वो जिस संप्रदाय में हो, हिंदू हो तो गायत्री मंत्र पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग तो तंत्र मंत्र को नहीं मानते। और जैन होगा तो वो तो पहले ही महामंत्र का वो अनादर तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नहीं करता अनादर नरक जाएगा, ये भावना है, धारणा है और परंपरा है। तो मन में तो दूर दूर तक ये कल्पना भी नहीं होगी कि हम उसका अनादर करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप नमकार मंत्र का जाप करना, पाठ करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप तंत्र मंत्र को नहीं मानते, 11 अंग 14 पूर्व को नहीं जानते, तो तंत्र मंत्र के मूल में, जड़ में यदि जाते हैं हम, तो नमकार महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो उसका भी आपने स्मरण करना बंद कर देना चाहिए जो व्यक्ति उसे नहीं मानता है। जय पारसनाथ, जय माँ भारती। अगले अध्याय में ज़रूर आप लोगों की इसकी पुष्टि कराऊंगा। समय की बहुत कमी है, इसके वजह से मैं पेज पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी जो मेरे अनुभव है किसी किताबी अनुभवों से या किताबी चर्चाओं से, मैं आप लोगों का दिल नहीं बहलाऊंगा। मैं वही बात करूंगा जो बातों का मैं खुद अनुभव ले चुका हूं, और जो सत्य है, जो प्रमाणित सत्य है। सिर्फ मैं जारण और मारण तंत्र का पूर्ण उल्लेख नहीं करूंगा और शांति कर्म की बातें अवश्य बताऊंगा, जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले, परिवार में शुद्धि और शांति बनाए रखें। यही बातों को मैं आपको अवश्य बताऊंगा, जिन कारणों से आप लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हो और वस्तुतः उसका कोई खर्चा नहीं होता। जो घर में ही पड़ी हुई वस्तुएं होती हैं, उसी से आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। मैं वही बातें आपको बताऊँगा। मेरा सभी को आशीर्वाद, आपका कल्याण हो। जय पारसनाथ, जय माँ भारती।